इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से गुजरने वाले बहुत कम लोगों को माणिक बुर्ज के बारे में जानकारी होगी। 600 साल पहले सन 1411 में इसी बुर्ज में अहमदाबाद शहर की बुनियाद रखी गई थी। सन 1411 में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने चंपानेर से 150 किलोमीटर दूर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये जगह सामरिक और भौगोलिक नजरिए से ज्यादा उपयुक्त थी। दूसरा ये कि अहमदाबाद नदी के किनारे था, यहाँ के करीबी इलाकों में खेतीबाड़ी खूब होती थी। भड़ोच और सूरत जैसे बंदरगाह जो व्यापार के मुख्य केंद्र थे, अहमदाबाद इन्हें अंदरूनी भागों से जोड़ती थी। माणिक बुर्ज से ही भद्रा किले की बुनियाद पड़ी, जिसे सुल्तान ने अपनी नई राजधानी के लिए बनवाया था। अहमदाबाद का नाम भी सुल्तान के नाम पर रखा गया था। बुर्ज के निर्माण को लेकर एक दिलचस्प कथा है। कहा जाता है कि अहमद शाह प्रथम ने ये बुर्ज एक संत को प्रसन्न करने के लिए बनवाया था। वो संत एक झोपड़ी में ठीक उसी जगह रहते थे जहां आज ये बुर्ज है। बुर्ज का नाम संत बाबा माणिकनाथ के नाम पर ही रखा गया था। कथा के अनुसार जब भद्रा किले का निर्माण हो रहा था, तब माणिकनाथ अपनी शक्ति से इसमें अड़चने डाल रहे थे। जब अहमद शाह को इस बात का पता चला तो उन्होंने बाबा को अपने दरबार में बुलाया और अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा। संत माणिकनाथ ने जब अपनी शक्ति दिखानी शुरू की तो उन्हें कैद कर लिया गया। अहमद शाह ने उनसे पूछा कि वो किले की दीवारों को क्यों गिरा रहे हैं। इस पर बाबा ने कहा कि वो चाहते हैं कि अहमद शाह उनकी स्मृति में शहर में ऐसा कुछ बनाए जिससे सदियों तक उनका नाम जिंदा रहे। सुल्तान ने बाबा की बात मान ली और इस तरह माणिक बुर्ज को उसका नाम मिला। एक कथा ये भी है कि बाबा माणिकनाथ ने ही अहमद शाह को किले के लिए जगह सुझाई थी और ये भी बताया था कि किले की शुरुआत कहां से होनी चाहिए। बाबा की सलाह पर ही शहर की दीवारों के वास्तुकार अहमद खट्टू ने शहर का नक्शा बदल दिया था। एक समय बुर्ज में सीढ़ियों वाला कुआं होता था जिसे माणिक कुआं कहते थे, लेकिन साबरमती नदी की दिशा बदलने की वजह से कुआं सूख गया। सन 1869 में गढ़ के पास नदी पर एलिस ब्रिज बनवाया गया। सन 1989 में अहमदाबाद नगर निगम ने एलिस ब्रिज, उसकी सीमाओं, बुर्ज और साबरमती नदी के किनारे एक जलाशय को संरक्षित घोषित कर दिया था। लोहे का एलिस ब्रिज संकरा था और ये ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल सकता था, इसलिए सन 1997 में इसे बंद कर दिया गया और 1999 में कंक्रीट का नया पुल बनवाया गया। नए पुल के लिए बुर्ज का कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि शहर के पहले चौराहे का नाम भी बाबा के नाम पर ही माणिक चौक रखा गया था। यहाँ बाबा माणिकनाथ का मंदिर भी है। माणिक चौक पर ही शहर का मुख्य बाजार है। 600 साल के बाद माणिक चौक आज भी पुराने अहमदाबाद शहर के बीचों बीच है। माणिक चौक के पास ही मोहरत पोल है, जो शहर का पहला पोल है। माना जाता है कि जब शहर बना था तब अहमद शाह की रिहाइश भी यहीं थी। आज माणिक चौक में खूब चहल पहल रहती है। सुबह यहाँ सब्जी मंडी लगती है और दोपहर को गहनों का बाजार लगता है। शाम को यहाँ खाने पीने की स्टॉल सज जाते हैं जो देर रात तक खुले रहते हैं। इनकी वजह से ये जगह बहुत लोकप्रिय है। हालांकि माणिक बुर्ज शहर का पहला स्मारक है, लेकिन माणिक चौक अहमदाबाद का सबसे मशहूर इलाका है। ये लोगों को उस समय से जोड़ता है जब शहर की पहली नींव रखी गई थी।